तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है ऐलान, हैदराबाद में चुनाव जीते ही नरसिम्हा राव और एनटीआर की तोड़ेंगे समाधि तो भड़की बीजेपी, कहा हाथ लगाकर दिखाए ओवैसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, लद्दाख में छिड़ सकता है भारत चीन के बीच युद्ध, सी जिनपिंग ने सेना को दिया आदेश युद्ध के लिए तैयार रहे चीनी सेना। तो वहीं आपको बताएंगे कि लव जिहाद कानून पर भड़के अखिलेश यादव, कहा आरएसएस और योगी कराना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में दंगे, फैलाना चाहते हैं जिहादी उन्माद। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों का प्रदर्शन हुआ उग्र, शंभू बॉर्डर पर बवाल, किसानों पर छोड़े गए आंसू गैस के गोले, तो प्रदर्शनकारी किसानों ने नदी में फेंक दिए बैरिकेड, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लंबी लिस्ट पर भड़के ओवैसी, कहा मोदी को भी बुला लो हैदराबाद में तब भी नहीं जीत पाएंगे बीजेपी वाले एक भी सीट, खुला चैलेंज ओवैसी ने दे दिया है मोदी को। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मद्रास हाई कोर्ट से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी अमित शाह को झटका, मद्रास हाई कोर्ट ने CAA के विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दायर FIR को रद्द करने का दे दिया आदेश, कहा नहीं चलेगी यहां पर तानाशाही। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में पकड़ गई नीतीश और बीजेपी की चोरी, तीन नेताओं के फर्जी वोट डलाकर बीजेपी ने जीत लिया स्पीकर चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे कि लव जिहाद कानून लाकर खुद ही फंस गई बीजेपी, AIMM के सांसद बोले बीजेपी पहले नकवी शहनवाज हुसैन के खिलाफ करे कार्रवाई और डाले इन्हें जेल में, इन्होंने ही फैलाया है सबसे पहले लव जिहाद। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद चुनाव में किया ऐलान, जीतने के बाद नरसिम्हा राव और NTR की तोड़ेंगे समाधि। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि इन दिनों हैदराबाद में निकाय चुनाव हो रहे हैं और इस बीच AIMM और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामा राव की समाधियों को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद में हुसैन सागर झील पर इन दोनों लोगों की समाधि जबरदस्ती बनाई गई है, जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद इनकी समाधियों को तोड़ दिया जाएगा। इसी बीच आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी के इसी बयान को लेकर भाजपा भी भड़क गई है और भाजपा ने भी ऐलान कर दिया है कि हम देखेंगे कि अकबरुद्दीन ओवैसी आखिरकार कैसे नरसिम्हा राव और NTR की समाधि को हाथ लगाती है और तोड़ने का दम दिखाती है। एक बार फिर से हैदराबाद में AIMM और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हैदराबाद में हलचल तेज हो गई है बीजेपी में। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लद्दाख को लेकर मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, सी जिनपिंग ने किया ऐलान युद्ध के लिए तैयार रहे चीनी सेना, लद्दाख में छिड़ सकता है भारत चीन के बीच युद्ध। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर काफी समय से तनाव है। इसी बीच आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों को चीन अपना बताता है और इस पर अपना दावा ठोकता है। वहीं आपको बता दें कि तनाव के बीच आज चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने अपनी सेना को जंग के लिए मुस्तैद होने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि सी जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि चीनी सेना जंग के लिए तैयार रहे और कभी भी जंग छिड़ सकती है। वहीं आपको बता दें कि इस आदेश के बाद अब भारत में भी हलचल मच गई है, मोदी अमित शाह की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान चीन मिलकर लद्दाख के कई क्षेत्रों पर हाल ही में हमला कर सकते हैं और युद्ध होना अब बिल्कुल तय माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें सी जिनपिंग ने बड़ा आदेश दिया है कि चीन की सेना युद्ध जीतने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाए और युद्ध के लिए तैयार रहे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि एक बार फिर से भारत और चीन के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई है।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लेकर योगी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा जिहादी उन्माद फैलाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में आरएसएस और योगी। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आई है। अब इसी कानून को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरएसएस और योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लव जिहाद अध्यादेश के बहाने जिहादी उन्माद फैलाकर फिर से जनता को भटकाने की कोशिश में लग गए हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत फैलाकर समाज को बांटने की भाजपा और आरएसएस की पुरानी रणनीति है, जबकि रोज नए कड़े कानून अपनी कायरता छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से रेप की घटनाएं हो रही हैं, लगातार महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उस पर तो कोई कानून योगी आदित्यनाथ नहीं लेकर आए, लेकिन किस तरह से ये विवादित कानूनों को लेकर आ रहे हैं। आगे अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 के चुनाव में जनता बीजेपी की राम नाम सत्य करेगी और एक बार फिर से उत्तर देश में समाजवादी सरकार बनेगी, तो ये बड़ा हमला अखिलेश यादव ने लव जिहाद कानून को लेकर योगी पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें, किसान आंदोलन हुआ उग्र, शंभू बॉर्डर पर बवाल, किसानों पर छोड़े गए हैं आंसू गैस के गोले, तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड फेंक दिए हैं, नदी में बढ़ गया है तनाव। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलें आज किसान आंदोलन को लेकर बढ़ गई हैं। जय दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा और राजस्थान के किसान आज पूरे देश में भारत बंद करके दिल्ली कूच पर निकले हैं और मोदी सरकार के इन 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों को रोकने के लिए और दिल्ली में प्रवेश न करने के लिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और भारी मात्रा में मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया। लेकिन आपको बता दें कि अब ये आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ गया है और आंदोलन इतना उग्र हो गया है कि प्रदर्शनकारियों में पुलिस के लगे हुए बैरिकेडों को फेंक दिया है। वही आपको बता दें कि किसानों पर पुलिसों द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी गिरा जा रहा है, लेकिन किसान फिर भी नहीं मान रहे हैं, लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उग्र हो गया है प्रदर्शन और मोदी सरकार ने 3 बटालियन को CRPF की तैनात कर दिया, जिससे कि हालात ना बिगड़े। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही कि मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, किसान आंदोलन उग्र हो गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया चैलेंज, कहा हैदराबाद में चुनावी सभा कर जीत कर दिखाए मोदी, हैदराबाद से एक भी सीट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि हैदराबाद में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद असदुद्दीन ओवैसी इस लिस्ट को लेकर बीजेपी पर भड़क गए हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने इतनी लंबी लिस्ट को देखकर प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी को आज चैलेंज करते हुए कहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को भी हैदराबाद में बुला ले, हम देख लेंगे, उनसे जनसभाओं को संबोधित करा ले और फिर हम देखते हैं तुम कितनी सीट जीतोगे। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी के कितने भी बड़े नेता, यहां तक कि गृहमंत्री अमित शाह और मोदी भी आ जाए, फिर भी बीजेपी हैदराबाद से एक सीट नहीं जीत सकती। जहां दोस्तों खुला चैलेंज असदुद्दीन ओवैसी ने कर दिया है बीजेपी को कि बीजेपी मोदी को भी बुला ले, फिर भी यहां से एक सीट नहीं जीतेगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में पकड़ी गई बीजेपी जेडीयू की चोरी, 3 फर्जी विधायकों के वोट डलाकर बीजेपी ने जीत लिया विधानसभा का स्पीकर चुनाव, तेजस्वी ने अब वीडियो जारी कर लगाए हैं आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कल बिहार विधानसभा स्पीकर के लिए वोट डाले गए, वोट डालते समय बीजेपी ने धांधलीबाजी एक बार फिर से कर दी। वहीं आपको बता दें कि इस बार बीजेपी के विजय सेना बिहार विधानसभा स्पीकर चुने गए हैं। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा स्पीकर चुने जाने को लेकर बीजेपी पर और जेडीयू पर गंभीर आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी कर खुलासा किया है कि बीजेपी ने 3 नेताओं के फर्जी वोट डलाए और फर्जी
वोट डलाकर इन्होंने स्पीकर का चुनाव जीता। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए हैं कि पहले इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में बाहर इनके बड़े बड़े अधिकारियों ने धांधलीबाजी की और फिर हमें बाहर चुनाव हराया और वहां पर धांधलीबाजी की, लेकिन अब तो विधानसभा में भी जनादेश की चोरी हुई है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि मुकेश सहनी और अशोक चौधरी और अन्य को बैठा कर इन्होंने वोटिंग कराई, जबकि ये तो जो है विधानसभा के सदस्य भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा है कि शर्मसार और शर्मसार करने वाली ये बिहार में घटना हुई और पूरा देश चुप है और बिहार की जनता देख रही है। तो ये बड़े आरोप लगाए हैं कि तीन फर्जी वोट डलाकर बीजेपी ने स्पीकर का चुनाव जीत लिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मद्रास हाईकोर्ट से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका, CAA के विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी FIR रद्द करने का कोर्ट ने दिया आदेश। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि पिछले साल केंद्र की मोदी सरकार नागरिकता संशोधन कानून देश में लेकर आई, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए, धरने हुए और हंगामे भी हुए। दिल्ली में तो यहां तक हिंसा हुई जिसमें 42 लोगों की मौत हुई। इस बीच आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को मद्रास उच्च न्यायालय ने आज बड़ी राहत दी है। मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ सभी दायर FIR को रद्द करने का आदेश दे दिया है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार के कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकता है, ये उसका स्वतंत्रिक अधिकार है और इस पर सरकार अंकुश या फिर रोक नहीं लगा सकती। वहीं मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने सभी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दायर FIR को रद्द करने का आदेश दे दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, जबकि दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के जो विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन सबको जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय जो मद्रास का है उसने ये बड़ा झटका बीजेपी को नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिया है और कहा कि बीजेपी ये न समझे कि सत्ता में है तो किसी की भी आवाज कुचल दी जाएगी, सभी को छोड़ दिया है और सभी के खिलाफ FIR रद्द करने के आदेश दे दिए। तो तगड़ा झटका मद्रास हाईकोर्ट से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी को। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लव जिहाद कानून को लाकर बुरी तरह से फंसी बीजेपी। AIMIM बोली, पहले नकवी और शहनवाज हुसैन के खिलाफ करे बीजेपी कार्रवाई, उसके बाद पूरे देश में लागू हो लव जिहाद। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि लव जिहाद कानून को लेकर इस समय पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून ला रहे हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तो लव जिहाद के खिलाफ कानून ला भी चुकी है। अब इसी कानून को लेकर बुरी तरह से बीजेपी ही घिर रही है। वहीं आपको बता दें कि AIMIM के नेता इम्तियाज जलील ने लव जिहाद कानून को लेकर भाजपा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और मांग की है कि नेता बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन के खिलाफ आखिरकार बीजेपी कार्रवाई कब करेगी, इन्होंने भी तो हिंदू लड़कियों से शादी की है, आखिरकार ये लव जिहाद नहीं है, अगर ये लव जिहाद नहीं है तो आखिरकार 10 साल तक की सजा किस लिए, योगी आदित्यनाथ सहित जो भाजपा शासित राज्य है लव जिहाद कानून में लेकर आ रहे हैं। भैया आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी नकवी और शहनवाज हुसैन के खिलाफ कार्रवाई करे, इन्हें 10 साल के लिए जेल में डाले, उसके बाद पूरे भारत में वह लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आए। वहीं आपको बता दें कि AIMIM सांसद ने कहा है कि अगर बीजेपी के जो नेता हैं अगर वह हिंदू लड़की से शादी करेंगे तो ये लव जिहाद नहीं है, लेकिन अगर आम व्यक्ति करता है तो ये उनके लिए लव जिहाद हो जाता है। जहां दोस्तों ये बड़ा हमला AIMIM ने बोल दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लालू प्रसाद यादव का नंबर सार्वजनिक करना, सुशील मोदी को पड़ा भारी, ट्विटर ने सुशील मोदी का हटाया ट्वीट। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को आज ट्विटर से तगड़ा झटका लगा है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर भाजपा विधायक को लालच देने का आरोप लगाया था और इसके बाद भाजपा नेता मोदी ने एक ट्वीट में लालू प्रसाद यादव का नंबर शेयर किया था, जिसे ट्विटर ने आज हटा दिया है। ट्विटर के मुताबिक इस ट्वीट में नंबर सार्वजनिक कर नियमों का उल्लंघन किया गया, इसके लिए इसे हटा दिया गया है, जिसके बाद पूरी तरह से बीजेपी को झटका लगा है और बीजेपी के नेताओं ने अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने की मांग कर दी है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि तत्काल लालू प्रसाद यादव को
तिहाड़ जेल में भेजा जाए। यहाँ पर तो वह नंबर, मोबाइल फोन सब कुछ चला रहे हैं। और ये बड़ी अपडेट आ रही कि ये ट्विटर से सुशील मोदी को भी झटका लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अगर मेरे पीछे पड़ोगे तो हाथ धोकर पड़ जाऊंगा आपके पीछे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन की महाविकास अघाड़ी सरकार को एक साल पूरे हो गए हैं। बीते विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी एक बड़ा उठापटक देखने को मिला। बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद न देने की मांग रख दी थी। उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो एनडीए से अपनी राह अलग कर कांग्रेस एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बनाई। इस बीच आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सहित बीजेपी के कई नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आने वाले 3 महीने के अंदर गिर जाएगी और फिर से बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी। अब इसी बयान को लेकर शिवसेना ने आज बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ये बोल रहे हैं सरकार गिराने की बात, उनके दांत गिर जाएंगे लेकिन सरकार नहीं गिरेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे पीछे अगर बीजेपी पड़ेगी तो मैं भी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाऊंगा और इतना पीछे पड़ूंगा कि महाराष्ट्र से बीजेपी का नाम ही खत्म कर दूंगा। जी दोस्तों, ये बड़ी बात है शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में अब रेप के आरोपियों को बनाया जाएगा नपुंसक, इमरान सरकार ने नए कानून को दी मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान में ऐलान किया है कि देश में रेप के दोषियों को नपुंसक बना दिया जाएगा, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां पर नए कानून को मंजूरी भी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह फैसला पिछले दिनों लिया था और कहा था कि जल्द ही नपुंसक बनाने पर एक कानून लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आज फाइनली प्रधानमंत्री इमरान खान ने ऐलान करते हुए रेप के दोषियों को नपुंसक बना दिए जाने का कानून पास कर दिया है। अब पाकिस्तान में जो कोई भी व्यक्ति रेप करेगा उसको नपुंसक बना दिया जाएगा। तो यह बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तान से।